जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें। प्यार में धोखे की हम आज बात करेंगे। यदि अभी तक आपको प्यार में धोखा हुआ है, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ हुआ है, या नहीं हुआ है तो नहीं लिख सकते। आज के दौर में, आज के इस युग में प्यार में धोखा होना एक आम बात है, एक बहुत आम बात, एक सहज बात, एक सरल बात है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत भावुक हैं, सरल हैं, सहज हैं। ये भी जानता हूँ कि आप बहुत इज्जत करते हैं, और ये भी जानता हूँ कि आपकी ओर से वो बहुत अपने बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्यार किया और उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी। ये एक बिल्कुल सच बात है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अब बात शुरू होती है कि ऐसी कंडीशनों को पहले तो हम आने ना दें, हमारे साथ चुनौती है कि दूसरी की अगर आ गई हो तो उसे कैसे निपटा जाए, और तीसरी बात है कि अब क्या करें। ये तीनों बातों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए केवल मैं हमेशा तीन मंत्र आपको बताया कि प्यार में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, दूसरा भाव आज़ादी होना चाहिए, तीसरा विश्वास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर है तो मान लीजिए आपका प्यार सच्चा है। कुछ मजबूरियाँ होगी, पारिवारिक मजबूरियाँ होगी, वो एक विषय अलग है। उसमें क्योंकि माँ बाप को मैं पहली प्राथमिकता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि उन माँ बाप ने आपको 20 साल तक, 25 साल तक, 22 साल तक पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तो आप जो हैं, जो प्यार की परिभाषाएँ जो गढ़ रहे हैं, ये सभी जो गढ़ने की, जो आप तो गढ़ना शुरू कर दे, लेकिन आपको इतनी दूर तक कि आपका बुद्धि कौशल उतना विकासशील हो, वो उन माता पिता की बदौलत। तो माँ बाप से बाहर ना जाए, सबसे पहली बात, माता पिता पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात है कि अब हो गया है, धोखा दे दिया प्यार में, तो क्या करें। जो लोग बहुत ज़्यादा भयंकर रिएक्ट करते हैं ना, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूँ कि इतना रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की, उनका ख्याल रखना है पहली बात, और आप इतना भयंकर रिएक्ट मत करिए। आपकी चॉइस गलत थी, इसमें दोषी हमको स्वयं को माने। भैया, हमने ही तो चुना, कोई आपको, मैंने तो सजेशन नहीं दिया, किसी अन्य व्यक्ति ने सजेशन तो नहीं दिया, आपको लोगों ने समझाया भी होगा। तो अगर ये चीज़ें हो जाती तो इसको बिल्कुल एक सामान्य माइंड अप, एक सामान्य बात में ठीक है, हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़िए। उसे इतना लेकर बैठना, जीवन भर रोना गाना, ये चीज़ें करना, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अगर आप प्यार करते हैं तो धोखे को सहन करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तीसरी बात है कि आप क्या करें। अब क्या करें, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आपको बार बार धोखे मिलते रहते हैं, तो मैं इसी पे एक ही बात कह सकता हूं कि आप बहुत सिलेक्ट करें, जांचे परखे, और अपने जो जानने वाले, जो आपके गुड वेल विशर है, उनसे आप एक बार राय मशवरा लें, जिनको आप दिल की सब बातें शेयर करते हैं, उनसे राय मशवरा लें और फिर कोई निर्णय लें। अब ये चीज़ आप करेंगे तो आपको कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। एक और बात है कि जब भी आपको धोखा हो जाए, तो उस समय अपने वेल विशरों को जरूर बताएं, ताकि वो आपको उस चीज़ से बाहर निकालने में पूरी कोशिश करें और आपको बाहर निकाल पाए। जब भी धोखा हो तो इतना लोड मत लीजिए, उसे भूलें और आगे बढ़ें। कोई गलत ख्याल मन में बिल्कुल ना लाए, अपने माँ बाप का चेहरा जरूर याद रखें। आखिरी में सावधानी और चेतावनी आपको कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए मैं सिर्फ यही वीडियो में एक बात कह दे रहा हूँ। अब अन्य से बात नहीं कहूँगा कि आपको इन धोखा हो गया, आगे बढ़ें, जीवन बहुत लंबा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।